हाँ तो देखो सब सब इधर आओ पास में आओ। पप्पी ले रहा है मेरी। अरे कहीं नहीं यार, थोड़ा सा दूर दूर बैठ जाओ ठीक है। गीली पप्पी करता है यार ये। अब नहीं करेगा बस। हाँ तो सूखी कर दूंगा। उस दिन हुआ यूं था कि मैं बिना चाय पिए सो गया था। क्या बात कर दी यार। उस रात मेरे को अपनी चड्डी में नमी महसूस हुई हल्की हल्की, क्योंकि उस रात मेरे सपने में वो आई थी। हाय हाय हाय, ये बेटी कौन कौन कौन? रेड लेबल की चाय पत्ती। सुबह उठते से मेरे को अपने शरीर में चाय की भयंकर कमी महसूस हुई। चाय पत्ती किधर है यार? ये रही। खत्म हो गई है तो। तो आ गए फिर से तो एडिक्शंस, माने की लत। देखो हकीकत में मेरे को कोई लत वत नहीं है चाय की। भैया उठ जा यार। भैया सुन लो यार। भैया बचाओ। क्या हुआ भैया? प्लीज मेरे को ये आपके खटारा टेम्पो में आगे चाय की टपरी तक छोड़ के आ जाओ ना। देख ये जो लोग पीते हैं ना, मेरे को उनसे सख्त सख्त नफरत। भैया उधर देख के चला लो यार। देख पीना नहीं पीना वो अपने कैपेसिटी पर डिपेंड करता, पर इतनी भी मत पियो कि अपने को होश ही ना रहे कि अपन क्या कर रहे हैं। देखो पता है अपना भांजा है। हाँ। वो मतलब बहुत टाइम से कह रहा था नीट की तैयारी करनी। अच्छा तो अब मैंने करवा दी। सही है, आजकल पढ़ाई के बिना कुछ। एक गिलास में ही ढुसोगे यार वो तो। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन सारे डिप्रेस्ड लोगों का मसीहा तो वो एक ही था। चाइनीज मोमोज वाला जो कि नेपाली है, इसके दुकान खुलने के 2-2 घंटे पहले से ही लोग आके टापे मार रहे हैं वहाँ पे। एकदम हीरो जैसा आएगा हीरो। इधर पुलिस वालों से क्राउड मैनेजमेंट। पेट उधर। पेट नहीं आये, मसाल है मसाल। फिर हमारा राजीव मोमोज वाला आके पूरा क्राउड कंट्रोल करता है। गिव इट अप फॉर राजीव। स्टीम के प्राइड। हाँ तो ये लो स्टीम। हाँ तो फिर आपकी ये मसल का राज क्या है? कल दे यार, मतलब देखो रेगुलर जिम जाओ, जंक फूड वो थोड़ा सा कम कर दो। अरे भैया इतनी कसरत मत करो, ये जो आपके पुट्ठे है ना ये घिसा जाएंगे। भाई कुछ लोग जिम में आके ये काम कर रहे हैं बस। हैशटैग डोला नहीं आया डोला। इनके मुंह पे जरा सी शर्म नहीं दिखेगी तुमको ये हरकत करते हुए। और इन लौंडों को ये बीमारी लड़कियों से लग रही है, क्योंकि लड़कियों में ये चीज एक्सट्रीम पे होती है। ये इधर वाला पीस कहाँ गया? तू खा गया? हाँ मतलब खा गया कोई जाना। गलती है पर तूने ही खत्म। I don't want to hear anything. आ रही हूँ मैं, बिल भर देना। अब तुम्हें कुछ स्नैप डालना ही पड़ेगा। #breakuppipes। और इधर मेरे पास था बहुत ही प्राचीन फोन, जो कि मेरे पापा ने भी किसी से सेकंड हैंड लिया था। फिर जब उन्होंने नया फोन लिया तो मेरे को पुराना पकड़ा दिया। छन से जो टूटे कोई सपना। तो जो मेरे पास थर्ड हैंड फोन था ना, वो इतना एडवांस था कि वो चार्जर से चार्ज ही नहीं होता था। उसका चार्जिंग पोर्ट ही खराब था। उसकी बैटरी निकाल के मेरे को केकड़े चार्जर में चार्ज करनी पड़ती थी। और फोन वगैरह तो एक बारी को ठीक है, लेकिन मेरे आसपास वाले लोग भी बिल्कुल ऐसे ही थे। लाचार जुझारू, ये लोग डॉक्टरों का धंधा खा रहे बैठे बैठे। इन लोगों को कितनी ही बड़ी बीमारी हो जाए, ये लोग सीधे मेडिकल पे जाके गोली ले लेंगे। हाँ तो डॉक्टर भी तो लिख के वहीं पे पहुँचाएगा ना। अरे अरे कोई बात नहीं, सोचो मत इतना, जला दो इधर। पेट दुख रहा है भाई। वो हरी वाली नहीं आती अपनी पुदीने की, वो दे दे यार। और भाई ये मेरा कल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। हाँ तो ये अपना हाथ जुड़ जाएगा क्या मेरा? भैया आप हॉस्पिटल तो देखो, उधर टेप वेप पड़ी होगी, गुलाब जल लगा के चिपका दे इसको। और हाँ एक और बात, तुम कितनी ही डेडिकेशन से काम कर रहे हो,
कुछ करिए नस नस मेरी बोले सॉन्ग। अब मेरे को जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, बस अब मेरे को GTA वाइस सिटी की सारी चीटें याद करना है। ये मेन रीजन कि लौंडे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि आधा समय तो उनका राजू आटा चक्की पे ही गुजर रहा है। फिर वो गेहूं का पोटला में अपनी हरक्यूलस पे पीछे लटका के ले जाता था, जो रास्ते में 3 बार गिर जाता था। और तुम लोग ये राजू की शक्ल पे मत जाना, इसकी शक्ल देख के तुमको ऐसा लगेगा ना कि इससे गरीब आदमी इस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। भैया 23 रुपए और है, 25 कर दो यार प्लीज, मेरे घर में खाने के लिए आटा नहीं है, मैं बच्चा भूखा है। पापा ये खा रहे हो क्या? किंडर जॉय। ये किंडर जॉय कैसे खा रहा है? मैं आज तक अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज को। देखो अभी भी मन में डर है कि मैं कभी घर पे लेके आया तो पापा चिल्ला देंगे। और हाँ, ये राजू की भोली भाली शक्ल से तुम जरा से एक भी मत बहकना, क्योंकि ये शक्ल एक धोखा है, क्योंकि ये ऐसी भोली भाली शक्ल लेके आटा चक्की पे बैठ के दलाली करता है। हाँ दलाल ही आदमी। देखो यार, सामने वाले घर का मामला सेट करा अपन ने, तो वो बस 40 के नीचे नहीं जा पाएंगे। वो यार थोड़ा सा कम करवाओ यार। और हाँ, इस दलाल का कस्टमर बन रहा है राजीव। हाँ हमारा मोमोज वाला, लाखों का गल्ला है उस आदमी का एक दिन का। हाँ जला दो सब। और हाँ हमारा राजीव तो 12वीं पास ही है, तो खुले में शक्ल दिखाते रहो, ऐसे कोने में जाके मत रहो। तो ये पेपर वगैरह सारे रेडी है? काई के पेपर? ये मकान के। अच्छा आप मकान की बात कर रहे हैं, मैं तो वो अपने सामने लड़की रहती हूँ। हाँ, हाँ। तो ये दलाल के पास पीछे पोटले में आटे की जगह पैसे भरे हुए पड़े रहते थे। कभी कभी ये नींद में गेहूं की जगह पैसे भी पीस देता था। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इस आदमी को, इतना पैसा है। और एक और मजे की बात बताऊं कि ये दलाल भी 12वीं पास ही था। नहीं नहीं कोने में जाके नहीं, खुले में रहो, खुले में। और हाँ, ये एक प्रॉब्लम सारे दलाल लोगों में कॉमन रहती है, ये लोग दलाल प्रिंट वाले टी शर्ट पहन पहन के घूमेंगे, लेकिन फिर भी इनको ये नहीं पसंद कि कोई इनके मुंह पे इनको दलाल बोले। तो ठीक है, हम लोग फिर नहीं बोलते थे मुंह पे। जल्दी बजा, जल्दी बजा। हाँ हम लोग आधी रात में जाके उसके घर की घंटी बजाते थे और जाके चिल्लाते थे, दलाल अंकल, दलाल बाहर निकल, दल्ले बापरे। कौन कौन है इधर? मेरा नाम दलाल नहीं है, ठीक है, खाली दलाली करता हूँ मैं कभी कभी। लड़की भाई तूने मतलब सीधे भाटा ही फेंक दिया उठा के। हाँ तो जिगरा चाहिए उसके लिए भी। और फिर ऐसी कच्ची उम्र के बच्चों को जब फोन मिल जाता है ना, ये किसी के काबू में नहीं रह रहे, फिर चला जा फोटू। अब तो देखो क्या बटिंग बटिंग हिस्ट्री के बनाता हूँ। मम्मी यार अभी रूपा का मैसेज आ रहा, प्लीज फोन दे दो। मम्मी मैं 4 दिन से उसके पीछे लगा हुआ हूँ, मैं उसको चॉकलेट नहीं दी थी, डेरी मिल्क सिल्क ओरियो वाली। टन टन, ये लोग रात में भी ठीक से नहीं सो पा रहे। रूपा ने मेरी स्टोरी क्यों नहीं देखी यार? रूपा तूने मेरी स्टोरी क्यों नहीं देखी? मैसेज भी नहीं जा रहा यार, ब्लॉक कर दिया क्या मेरे को? सिल्क सिल्क कैसे रुपए बर्बाद? हाँ दिन रात फोन चल रहा है भाई साहब, बैटरियां फुगा दी है मोबाइल की। क्यूटी, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों को तो बचपन में फोन मिलता ही नहीं है, तो हम लोग काम चलाते हैं मम्मी के फोन से। लेकिन देखो हमको उसमें भी प्राइवेसी चाहिए रहती है थोड़ी। अब देखो मैं इसके लिए कितना डिफिकल्ट पैटर्न लॉक डालता हूँ, कोई चोर चुरा भी लेगा ना फोन तो खोल नहीं पाएगा, वापस दे के जाएगा मेरे को कि खोल के दे। कुछ भी अनसन उंगलियां घुमा के पैटर्न लॉक डाल रहे हैं यहाँ पे। 2 मिनट बाद खुद को याद नहीं क्या क्या डाला था। वैसा ही था यार, मेरे को तो याद है, ये शायद अपना फोन भूल गया है कि मैंने क्या डाला था। पुराना हो गया ना तो ऐसे ही नाटक करते हैं। छोड़ो फालतू, नया फोन लेते हैं अपन तो। पर मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई, ये इमरजेंसी कॉल क्या काम का है? हेलो, फोन का लॉक खोल दो प्लीज, मेरे फोन का लॉक, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत कूटा। हाँ ये कच्ची उम्र वाले बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, बीच सड़क पे जाके जन्मदिन मना रहे हैं लोग। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। के जो प्यार मोहब्बत है ना, इन चक्करों में कभी पढ़ना नहीं, अपने बस खाओ पियो मस्त रहो, मतलब खाओगे नहीं तो भी चलेगा, पियो और मस्त रहो। तुम जियो हजारों साल और मरो एक। भैया उधर सामने। चाय ले आओ यार एक कप।